हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे माध्यक के बारे में, जिसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। हमें कोई भी चर दिया होता है, उस चर का मध्यमान हम ज्ञात करते हैं, उसको माध्यक या माध्यिका के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई भी चर है जिसको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के बाद, जमाने के बाद उसके मध्य पद हम ज्ञात करते हैं, उसको हम माध्यक या मीडियन के नाम से जानते हैं। जैसे हम दो श्रेणी की चर्चा करते हैं, जैसे कि ए है, इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है। तो अपना जो देखिए, दो श्रेणी आया अपने पास, इस प्रकार से 1 से लेकर 11 तक संख्या लिखी हुई है और 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है। हम दोनों की चर्चा करते हैं। देखो, हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इनको हमें पहले जब अगर दी हुई है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, नहीं जमा लेकिन पहले आरोही क्रम में जमा देते हैं, आरोही क्रम में, ये पहले से आरोही क्रम में है, ये भी आरोही क्रम में है, हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें पद गिनते हैं तो इसमें 11 है, यानी एन पद की संख्या है जो आपके पास 11 आ गई, यानी कि ये विषम है। कौन सा है? जब विषम पदों की संख्या विषम हो तो हम एम जो माध्यिका जो ज्ञात करते हैं, माध्यक, माध्यक जो ज्ञात करते हैं वो n+1/2 वा पद। जब एन आपके पास विषम हो, यानी कि आपका पास 11 है, 11+1/2 12/2 छठा पद, इसमें जो एम जो आपका होगा, छठा पद जो भी है आपका, गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से इसमें आपका माध्यक हो गया 6। अगर आपके पास पद की संख्या सम संख्या में हो, यानी कि एन बराबर सम संख्या है ये, तब हम माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें दो पद ज्ञात करने होते हैं। देखिए, माध्यिक ज्ञात करने के लिए हमारे पास n/2 व n/2+1 वा पद का औसत हमें ज्ञात करना होता है। औसत का मतलब अपने पास देखिए, जैसे n/2 वा पद, यानी कुल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पद है, तो n/2 यानी 10/2 यानी पांचवा पद, ठीक है। और अपना n+1 बराबर अपने पास 10/2+1 बराबर 5+1 बराबर छठवा पद, 6 पद हो गए, छठा पद। अब इन दोनों का औसत हमें ज्ञात करना है। आपका पांचवा पद देखिए, इसमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक पांचवा पद ये हो गया और ये छठा पद ये हो गया, दोनों पद है अपने पास, तो एम हमें ज्ञात करना है इसमें, तो हमें पांचवा और छठा पद जोड़कर ये 5+6/2 यानी 11/2 बराबर 5.5 आपका माध्यक, जिसे हम एम के द्वारा लिखते हैं, आ गया। अब चलिए, अब हम प्रश्नावली के सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो अपना जो सवाल दिया कि निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ये चर 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34 दे रखा। इसको मैंने आरोही क्रम का मतलब होता है, छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है, उसे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी हम लिख देंगे, और जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पद है, यानी कि आपके पास सम संख्या है, आयु क्रम में जमाने के बाद भी 10 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 बराबर हमने आयु क्रम में जमा दी है। अब अपने पास चूंकि एन बराबर 10 ये सम संख्या है, तो हमें यहां पर दो पद ज्ञात करने हैं, फिर उनका औसत में निकालना पड़ेगा। हमारे पास एम ज्ञात करने के लिए n/2 वह पद, तो अपना जो n/2 n/2+1 वा पद है, तो अपने पास 10/2 बराबर पांचवा पद हो जाएगा,
और ये दूसरा आपके पास 10 बटा 2 प्लस 1 इंप्लाइज 5 प्लस 10 में 2 का भाग दिया 5 प्लस 1 बराबर 6वां पद, यानी कि आपके पास दो पद हो गए, एक तो पांचवा एक छठा, यानी m हमें ज्ञात करना है। पांचवा पद गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा पद है आपका और ये छठा पद है। इन दोनों पदों को हमें लेना है और इनका जोड़ करना है। हम इनको जोड़ेंगे 26 प्लस 28, इनका औसत ज्ञात करना है, बटा दो कर देंगे अपने पास, इनको जोड़ेंगे 8 6 14 आज का 1 2 2 4 1 5 54 बटा 2 यानी 27, इसका आधा अपने पास क्या गया 27 आ गया, आपकी मादी का जो है वो 27 है। अपना जो सवाल दूसरा है को निम्न आंकड़ों का माध्यिक ज्ञात कीजिए, 19 25 59 48 35 30 31 32 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं, इनको हमने आयोग क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले आयोग क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, और इस प्रकार से हमें लिखते जाना है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऊपर 9 आंकड़े थे नीचे भी 9 आ गए। अब चूंकि n बराबर आपके पास 9 है, ये विषम संख्या है, तब इसका माध्यक जो हम ज्ञात करते हैं n, जो n प्लस 1 वा पद होगा आपका, ठीक है ना, आपका पास 9 प्लस अपना जो दसवा 10 बटा 2 है बराबर पांचवा पद है। ये पांचवा पद का मतलब अपने को 1 2 3 4 और 5, ये आपका पांचवा पद, तो यहां आपकी माध्यिका हो गई 32, ये आपका इसमें आंसर आ गया। लेकिन इसने आगे कहा है कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यिक ज्ञात कीजिए। अब अपने पास क्या करना, देखो जो ये आयोगिक क्रम है यहां पर हमें वापस इसको लिखना है, ये 19 है, ये 25 को हटा के इसकी जगह 52 लिखेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, यहां से 25 को हटा देना है, बाकी संख्या जैसी ये 30 है 30 लिख दिया, 31 32 35 48 51 और उसके बाद अपना 52 आ रहा है, 25 की जगह 52 52 यहां आएगा, हमने इसको यहां पर लिख दिया, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी, 25 यहां से हट गया और उसकी जगह 52 वहां पे आ गया। अब इसमें चूंकि पद तो अपने पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पद की संख्या अपने पास क्या है 9 ही है, वो भी विषम ही है, तो अपना माध्यिक जो होगा n प्लस 1 बटा 2 वा पद है ये आपका, तो अपने पास 9 प्लस 1 बटा 2 10 बटा 2 बराबर पांचवा पद, आपके पास कौन सा पद हो जाएगा, ये पांचवा पद हो गया। अब पांचवे पद में अब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 और 5, ये आपका पांचवा पद आ रहा है, ये आपकी माध्यिका इसमें 35 हो जाएगी। इस प्रकार से 25 को बदलने पर माध्यिक जो है आपका 32 से बदलकर 35 हो गया। तो साथियों एक सवाल दिया है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए हैं, माध्यिक ज्ञात कीजिए। हमारे को पहले जो भी सवाल किए है उसमें केवल इस प्रकार की संख्या दे रखी थी, चर का मान दे रखा था, बारंबारता नहीं दे रखी है। अगर बारंबारता दे देते हैं थोड़ा सा बदलाव हमें करना है, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो सबसे संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं, यहाँ दो है दो लिख दिया, इस आठ को इसमें जोड़ना है और यहां पे लिखना है, आठ दो दस हो गया, फिर इस सोलह को इसमें जोड़ के यहां लिखना है, इसमें जोड़ा छब्बीस हो गया, फिर छब्बीस को इसमें जोड़ना है, ठीक है, छब्बीस और छब्बीस आपके पास बावन हो गया, फिर इस बीस को जोड़ के यहां लिखना है, इसमें जोड़ना है अपने पास, अपना जो है यहाँ पर 20 इसमें जोड़ेंगे अपने पास 72 हो गया, 72 में 16 जोड़ेंगे तो ये 8 और 7 एक 8 88 हो गया, 88 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास
सात सात चौदह एक पंद्रह पिचानवे और चार जोड़ेंगे तो ये निन्यानवे हो गया। अब अपने पास यहाँ पर सही आया या नहीं आया इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई इनको जोड़ते हैं सात चार ग्यारह, ग्यारह छह सत्रह, सत्रह तेईस, तेईस उनतीस, उनतीस दस उनचालीस, तीन हाँ ठीक है तीन हो गए, तीन एक चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, निन्यानवे। यहाँ निन्यानवे, यहाँ निन्यानवे, इसका मतलब आपका जो संचयी बाध्यता आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब संचयी बाध्यता ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है कि जो ये आपका आया संचयी बाध्यता यानी कि यहाँ पर एन बटा दो करना है माध्यिक ज्ञात करने के लिए। निन्यानवे बटा दो यानी कि चार और ये नौ पॉइंट पांच, यहाँ एन बटा दो का मान जो ये आ गया है 49.5, इससे ठीक बड़ी संचयी बाध्यता देखनी है। ठीक बड़ी आपके पास 52 है, इस वर्ग से आप चलते चलिए इधर आइए आपके चर के मान में, इसके संगत इसकी सीट पे या इसके संगत जो चर का मान होगा वह आपकी माध्यिका M कहलाएगी। और यहाँ माध्यक माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, माध्यक आपका 30 हो जाएगा। हाँ तो साथियों जो अपना चौथा सवाल है कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार इस प्रकार से दे रखी है। बच्चों की संख्या 0 से लेकर 6 तक है, परिवार की संख्या दे रखी है, तो माध्यिक ज्ञात कीजिए। अब इसमें बाध्यता दे रखी है, चर भी दे रखा है, बाध्यता भी है, हमें संचयी बाध्यता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बाध्यता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 10 लिखा है वैसा लिख देते हैं, फिर 10 में ये 35 इस 10 में जोड़ना है, ये इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखेंगे आपके पास 35 10 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 27 जोड़ेंगे तो ये आपके पास 7 5 12 हासिल का 1 5 2 7 72 हो गया। फिर ये जोड़ेंगे 27 72 के अंदर तो 7 2 9 8 1 सात दो नौ सात एक आठ, ये आठ हो गया। फिर ये जोड़ेंगे आपके पास 90 95 और ये जोड़ेंगे 98, फिर दो जोड़ेंगे अपने पास 100। अब चूंकि ये अपने पास सही है या नहीं है तो यहाँ पर पहले ही दे रखा है 100 परिवार यानी 100, ये आपके पास ये बाध्यता है वो भी 100 है, यहाँ पे भी 100 आ गई, यहाँ पे भी 100 आ गई, इसका मतलब आपकी संचयी बाध्यता आपने निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखिए n बटा 2 ज्ञात करते हैं। n बटा 2, n का मतलब अंतिम संचयी बाध्यता जो आपके पास 100 है, 100 बटा 2 बराबर 50, ठीक है, यानी 50 आ गई अपने पास, ये 50 आई, 50 से ठीक बड़ी, क्या देखना अपने को, 50 से ठीक बड़ी संचयी बाध्यता अपने को देखनी है, 50 से ठीक बड़ी अपने पास बेहतर है, इसके संगत आप इसमें चलिए, इसके संगत आपके पास 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर माध्यिक जो होगा आपका 2 बच्चे प्रति परिवार आपका माध्यिक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या है तो 2 आपका आंसर हो गया। हाँ तो साथियों निम्न बाध्यता बंटन का माध्यिक ज्ञात कीजिए, हम प्रश्नावली 17.6 पढ़ रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाली प्रश्नावली के मैंने वीडियो बना के डाले हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम आप वीडियो पे चलते हैं, हमें यहाँ पर चर का मान दे रखा है 20 30 25 30 35 40 45 50 55 और इसी प्रकार से आपकी बाध्यता दे रखी है, आपको माध्यिक ज्ञात करना है। तो पहले हम संचयी बाध्यता ज्ञात करते हैं और संचयी बाध्यता ही मुख्य मुद्दा है इसके अंदर। मुद्दा जो संचयी बाध्यता ये 14 है, जैसा है वैसा लिख देते हैं, फिर अपने पास इसको इसमें जोड़ना है, ये 28 को 14 में जोड़ेंगे, 8 4 12
का एक दो दो चार 42, और फिर अपने पास इसमें 33 जोड़ेंगे, अपने पास 33 भी जोड़ा तो 33 जोड़ लिया, 3 और 2 5, 4 3 7 75, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे, 5 7 3 10, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे ये 125, फिर इसमें और 15 जोड़ेंगे तो 130 107 130 140, और फिर इसमें 13 जोड़ेंगे 3 4 1 5 153, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे ये 160 आ गया आपके पास। यहाँ यहाँ पर योग भी 160 है और अपनी लंबाता है वो भी 160 है। अब माध्य के ज्ञात करना है तो हम n बटा 2 ज्ञात करते हैं, 160 बटा 2 यानी कि जो आपका अंतिम संचयी लंबाता आई है उसमें 2 का भाग देते हैं, अपने पास ये 80 आ गया। अब 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो आपके 80 से ठीक बड़ी आपके पास 105 है, यानी कि आपका इसके संगत जो मान है आपका 35 है, ये आपका m बराबर 35, ये आपकी माध्यक हो गया और अपना सवाल भी हो गया। अगर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।